प्रैक्टिस सेट 2.3 च्या आधी आपण काही डेफिनेशन्स वगैरे घेतलेले होते, शर्ट्स बद्दल डेफिनेशन घेतल्या होत्या. तिथेच आपण रॅशनलायझेशन बद्दल सांगितलं होता, डिनॉमिनेटरला रॅशनलायझेशन कसं करायचं ते सांगितलं होतं, आणि बायनॉमियल रॅशनलायझेशन पण आपण तिथे शिकलेलं होतं. तर बायनॉमियल रॅशनलायझेशन म्हणजे काय घेतलेलं होतं आपण, जो टॉपिक आहे बायनॉमियल रॅशनलायझेशन हा टॉपिक प्रॅक्टिस सेट 2.3 च्या नंतर आहे, पण थिओरॉटिकल पार्टमध्ये मी आधीच शिकवलेला आहे. आता नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट आहे 2.4. तर याच्यामध्ये देर आर टू एक्झाम्पल्स, इसमें दो एक्झाम्पल आहे. फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन के तीन एक्झाम्पल आहे और सेकंड में रॅशनलायझेशन डिनोमिनेटर के एक्झाम्पल आहे. तो फर्स्ट का आपण थर्ड एक्झाम्पल यहां मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन है उसमें से थर्ड ले रहा हूं. फर्स्ट और सेकंड जो है वो इजी है, तो थर्ड देखो. इसमें अगेन यहां पे देर आर टू ब्रैकेट्स. इन फर्स्ट ब्रैकेट देर आर टू टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 3√2 − √3. इन सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज 4√3 − √2. दिस टू ब्रैकेट्स, देर आर टू ब्रैकेट्स अगेन. दिस टू ब्रैकेट्स का अपने को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है. तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में बीच में माइनस लिखेंगे और √3 का अगेन पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, देन बीच में क्या है माइनस, तो माइनस आएगा. अगेन √3 मल्टीप्लाई बाय दिस सेकंड ब्रैकेट 4√3 − √2. देन दिस 3√2 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट. तो 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3 देन माइनस, देन अगेन 3√2 मल्टीप्लाई बाय √2. इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में बीच में माइनस है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. देन सेकंड इज −√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3. दिस माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस. अगेन 3√3 मल्टीप्लाई बाय 2. अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है. ये देयर आर टू स्टेप्स हो गए. अभी नेक्स्ट अगेन 3√4 − √12 √2 − √3. इसको एक ही स्क्रूट में लिखेंगे 2√3, देन माइनस एज इट इज. ये 3 एज इट इज. √2 − √2 होता है, देन अगेन माइनस. ये 4 अगेन एज इट इज. √3 − √3 मीन्स अगेन ये 3 होता है, और ये √3 − √2 है, तो इसको स्क्रूट में 3√2 लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप अगेन 12 एज इट इज. √2 − √3 मीन्स √6. अगेन 3√2 मीन्स 6. 4√3 मीन्स 12, और √3√2 मीन्स √6. नेक्स्ट स्टेप में ये √6 और ये √6 दोनों का रेडिकेंट सेम है और ऑर्डर सेम है, तो दोनों का एडिशन होगा यहाँ. तो 12√6 + 1√6, 12 + 1 = 13, और ये √6 एज इट इज. देखो किस तरह से है, ये 12 है, 12√6 और ये √6 दोनों का एडिशन करना है, तो √6 एज इट इज आएगा, और 12 प्लस यहाँ 1 है, तो 12 + 1 मीन्स क्या होगा 13. तो ये थर्ड दोनों का कैलकुलेशन होगा 13√6. −6 − 12 मीन्स −18. तो इट इज द आंसर. इन ये दो ब्रैकेट्स थे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आया. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. इस सेकंड में 4 एग्जांपल आ गए ना, उसमें से मैं आपको सेकंड और फोर्थ सॉल्व करके दे रहा हूं. तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब ये डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है. रैशनलाइजेशन कैसे करना है आपको, किस तरह से करना है रैशनलाइजेशन, कि ये डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट फैक्टर देखना है. डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फैक्टर देखना है. तो कॉन्जुगेट फैक्टर मीन्स क्या होता है, 2√5 − 3√2 है. अगर यहाँ पे ये माइनस है तो दोनों टर्म सेम रहती है, सिर्फ माइनस के जगह क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है. तो कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ 2√5 − 3√2 इज 2√5 + 3√2. इस कॉन्जुगेट फैक्टर से रैशनलाइजेशन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है. ये एग्जांपल एज इट इज, इस कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है. अब इसमें देखो अगेन, ये न्यूमरेटर 3 × (3√)। अब यहां डिनोमिनेटर में देयर आर टू ब्रैकेट्स, 2√5 − 3√2, 2√5 + 3√2. ये दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म एज इट इज है और ये सेकंड टर्म एज इट इज है, बट एक फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है
और सेकंड ब्रैकेट में प्लस है। तो इसके पहले अपन ने फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याचा फार्मूला ए माइनस बी यानी ए प्लस बी आहे, एका ब्रैकेट मध्ये माइनस दुसऱ्या ब्रैकेट मध्ये प्लस आणि प्रत्येक ब्रैकेट मध्ये दोन्ही टर्म कशा सारख्या आहे। तर याला आपण उलटा यूज करायचा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर देन माइनस मधात आणि सेकंड टर्मचा स्क्वेअर, तर बघा हा ए माइनस बी आणि ए प्लस बी, ए सारखी टर्म आहे बी सारखी टर्म आहे पण एका ब्रॅकेट मध्ये माइनस आहे दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये काय प्लस आहे। पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर, तर पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर, पहिली टर्म कोणती आहे टू रूट ऑफ फाईव्ह, टू स्क्वेअर रूट ऑफ फाईव्ह चा स्क्वेअर देन माइनस, सेकंड टर्म आहे थ्री स्क्वेअर रूट ऑफ टू, तर थ्री स्क्वेअर रूट ऑफ टू चा होल स्क्वेअर, अँड न्यूमरेटर अगेन एज इट इज, ह्या फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर टू चा स्क्वेअर किती होतो फोर आणि स्क्वेअर रूट ऑफ फाईव्ह चा स्क्वेअर मीन्स काय होतो फाईव्ह, अगेन थ्री चा स्क्वेअर किती होतो नाईन आणि स्क्वेअर रूट ऑफ टू चा स्क्वेअर, स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल, तिथे काय राहील टू राहील। नेक्स्ट स्टेप मध्ये न्यूमरेटर अगेन एज इट इज, फोर मल्टीप्लाय बाय मीन्स ट्वेंटी देन माइनस एंड नाईन मल्टीप्लाय बाय टू मीन्स एटीन, अगेन न्यूमरेटर एज इट इज, हा ट्वेंटी मायनस एटीन मीन्स टू। ओके, तर इथे काय करायचंय तुम्हाला की डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर ऑब्झर्व करायचा आणि त्याचा कॉन्जुगेट फॅक्टर लिहायचा। डिनॉमिनेटर मध्ये टू टर्म्स असतील, मधात मायनस असेल तर त्याच्या कॉन्जुगेट फॅक्टर मध्ये प्लस येईल आणि प्लस असेल तर कॉन्जुगेट फॅक्टर मध्ये काय येईल मायनस येईल, लक्षात ठेवायचं। नेक्स्ट अगेन एक्झाम्पल नंबर फोर, स्क्रूट ऑफ फाईव्ह मायनस स्क्रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाय स्क्रूट ऑफ फाईव्ह प्लस स्क्रूट ऑफ थ्री, डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर इज स्क्रूट ऑफ फाईव्ह प्लस रूट ऑफ थ्री। इथे एक लक्षात घ्यायचा हे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर, ठीक आहे, इथे पण बायनॉमियल एक्सपॉन्शन आहे, बायनॉमियल आहे इथे आणि इथे पण बायनॉमियल आहे, तर डिनॉमिनेटरचा कॉन्जुगेट फॅक्टर घ्यायचा, कशाचं घ्यायचं आपल्याला डिनॉमिनेटरचा, तर रूट ऑफ फाईव्ह स्क्रूट ऑफ फाईव्ह प्लस स्क्रूट ऑफ थ्री याचा कॉन्जुगेट फॅक्टर काय होईल, स्क्रूट ऑफ फाईव्ह मायनस स्क्रूट ऑफ थ्री होईल, ठीक आहे। तर ह्या कॉन्जुगेट फॅक्टरनी मल्टीप्लाय करायचं आणि डिवाइड करायचं, म्हणजेच रॅशनलायझेशन करायचं। कॉन्जुगेट फॅक्टरचे आपको काय करणार आहे, मल्टीप्लाय करणार आहे, डिवाइड करणार आहे, मीन्स काय करणार आहे रॅशनलायझेशन करणार आहे। तो अब देखो इसमें ये एग्जाम्पल एज इट इज, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा स्क्रूट ऑफ फाइव माइनस स्क्रूट ऑफ थ्री, इससे मल्टीप्लाई किए और क्या किए डिवाइड किए। तो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट है, देयर आर टू ब्रैकेट, बट दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो स्क्रूट ऑफ फाइव माइनस स्क्रूट ऑफ थ्री, स्क्रूट ऑफ फाइव माइनस स्क्रूट ऑफ थ्री, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए स्क्रूट ऑफ फाइव माइनस स्क्रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर लिखेंगे। बट डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए इसका होल स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में प्लस है दूसरे ब्रैकेट में क्या है माइनस, तो अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, यानी रूट ऑफ फाइव ये फर्स्ट टर्म है तो उसका स्क्वायर, और स्क्रूट ऑफ थ्री ये सेकंड टर्म है तो स्क्रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस। देखो दोनों डिफरेंट थिंग है, ये ध्यान में रखो, न्यूमरेटर में क्या है दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए पूरे ब्रैकेट का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, बट डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट है, एक फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है और सेकंड ब्रैकेट में क्या है माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर को a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपॉन्ड करेंगे, फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स स्क्रूट ऑफ फाइव का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए मीन्स स्क्रूट ऑफ फाइव और b मीन्स स्क्रूट ऑफ थ्री प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मीन्स स्क्रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ठीक है, ये एज इट इज आएगा, तो इसका स्क्रूट ऑफ फाइव का होल स्क्वायर यानी फाइव आएगा और स्क्रूट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर मीन्स थ्री आएगा, स्क्रूट ऑफ फाइव का होल स्क्वायर मीन्स फाइव, ये माइनस टू एज इट इज, स्क्रूट ऑफ फाइव मल्टीप्लाई बाय स्क्रूट ऑफ थ्री मीन्स स्क्रूट ऑफ फिफ्टीन, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री और स्क्रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या होगा थ्री, फाइव प्लस थ्री मीन्स क्या हो जाएगा एट और माइनस टू स्क्रूट ऑफ फिफ्टीन एज इट इज, फाइव माइनस थ्री मीन्स अगेन टू, अब इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे एट डिवाइडेड बाय टू और टू स्क्रूट ऑफ फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टू, तो एट डिवाइडेड बाय टू मीन्स फोर, ये टू टू कैंसिल मीन्स स्क्रूट ऑफ फिफ्टीन, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके,